हुर्रे हुर्रे स्कूल की छुट्टी। बैठ जाओ, अभी मेरी क्लास खत्म नहीं हुई है। वाओ ये 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 वाओ। मैंने कहा चुप रहो, अभी तक मैंने छुट्टी के लिए कोई असाइनमेंट नहीं दिया है। हद है, सारा मूड खराब कर दिया। अभी तक तो मैंने स्कूल की छुट्टी की खुशी भी नहीं मनाई और हमें होमवर्क भी मिल गया। बातें बंद करो, तुम सबको अपने चैनल बनाने हैं और उस पर शानदार वीडियो बनाने हैं। वाओ, मुझे ऐसा होमवर्क अच्छा लगता है। अरे ये बोरिंग है। जिसके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स होंगे उसे स्कूल की तरफ से प्राइज मिलेगा। ये तो शानदार रहेगा, है ना? तुम्हें मूवी में रोल मिलेगा। मूवी कौन सी है ये नहीं बताऊंगी, ये सीक्रेट है। बढ़िया, मैं बेवकूफों को अपनी अमीरों वाली लाइफ दिखाऊंगी और स्टार बनूंगी। और मैं क्या दिखाऊंगी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी लाइफ कौन देखेगा? केटी बेबी देखो, मैं तुम्हारे ब्लॉग के लिए नए कपड़े लाई हूँ। वाओ, मैं देखती हूँ, सारे फॉलोअर्स इन्हें देखकर पागल ही हो जाएंगे। ये चैनल, ये डियोर और ये अरमानी। समझ नहीं आया, गुची कहाँ है? स्टोर बंद था। क्या? आपने गुची से कुछ भी नहीं खरीदा? हनी प्लीज परेशान मत हो, शांत हो जाओ। मेरा शूट बर्बाद हो गया सब आपकी वजह से, और मुझे वो प्राइस नहीं मिलेगा। क्रिस, क्रिस यहाँ आओ और अपनी बेटी को शांत करो। हाँ हाँ, मंगलवार तक तैयार हो जाना चाहिए, मैं दोबारा नहीं सुनूंगा कि ये लेट क्यों हुआ। पापा, सब बर्बाद हो गया। एक सेकंड रुको, क्या तुम खुद को संभाल सकती हो? मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ठीक है बेटे, सारी रिपोर्ट दोपहर तक तैयार चाहिए, समझ गए? उनके पास कभी टाइम नहीं होता। 100, 200, 300। हे, मेरी बच्ची को क्या हुआ? ये लो, तुम्हें संतरे का छिलका पसंद आएगा, तुम्हें भूख लग रही है बस। ओह शुक्रिया, ये मेरा फेवरेट है, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। बेटा तुम मुझे बता सकती हो क्या हुआ तुम्हें? पापा, स्कूल में हमें अपना चैनल बनाने को बोला है, लेकिन मैं नहीं बनाना चाहती, मुझे नहीं पता क्या करना है, मैं ऐसे कैसे वीडियो बना सकती हूँ? चिंता मत करो, मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी, वैसे ही मैं घर पे तो पढ़ा ही रहता हूँ, तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। लेकिन मेरे पास शूट करने के लिए सेल्फी स्टिक भी नहीं है। ईवा, ये तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, हम कुछ न कुछ सोच लेंगे। अरे हाँ, अरे ये क्या है? चलो मैं तुम्हें सब समझाता हूँ, लाओ अपना फोन दो मुझे। प्लीज पापा संभाल कर, अगर ये टूटा तो मम्मी मारेगी। तो ये रही तुम्हारी नई सेल्फी स्टिक, जैसा कि तुम चाहती थी। वाओ, ये तो कमाल है, मैं कुछ वीडियो बना के देखती हूँ। फिटनेस वर्कआउट कैसा रहेगा बताओ? क्या आप एथलीट हैं? मुझे लगा आप सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ते हो। हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ता ही रहता हूँ, तो मैं इन सब में बहुत माहिर हूँ। हेलो दोस्तों, आज मैं और मेरे पापा आपको कुछ कमाल एक्सरसाइज दिखाएंगे, शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 2। इस फैमिली में काम करने वाली मैं ही अकेली हूँ और तुम लोग मजे से वीडियोस बना रहे हो। अरे मम्मी हेलो, पूरी फैमिली का बोझ मेरे ही कंधों पर क्यों है? मम्मी माफ कर दो, मैं जाकर कुछ काम देखती हूँ। वैसे मैं तो बस इसकी हेल्प कर रहा था, वो भी होमवर्क करने में। मेकअप हो गया है, अब मैं ब्लॉग शूट करने के लिए तैयार हूँ। वाओ, यहाँ क्या चल रहा है, ये कूल मेकअप मुझे भी चाहिए। मम्मी क्या आप भी छोड़ो मेकअप, क्या आपको पता है मैं एक कुकिंग ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। तुम क्या पकाने वाली हो? ये केक। वाओ बेटी, क्या हम साथ में शूट करें? क्या
क्यों? इसे कौन ही देखना चाहेगा? हमारे फॉलोअर्स। हम इसे बोलेंगे फैमिली रसोई। ठीक है, कुछ तो कर सकते हैं, बस मुझे छुओ मत। मैं बता दूं, फ्रेम में सबसे अच्छी असिस्टेंट माँ होती है। लगता तो है। और ये विस्क कितनी बकवास है। ओह, ये क्या है? इसे कैसे यूज करती हो? मम्मी, क्या आपने कभी कुकिंग भी करी है? क्या? मैं? कुकिंग? कुकिंग आलसियों के लिए है। फिर हमें नौकरों की क्या जरूरत पड़ेगी? बोलो जरा। क्या आप काम करती हो? ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो फॉलोअर्स, मेरे प्यारो, मेरे दोस्तों, आज मेरी माँ और मैं, मेरी बहन, आज मेरी बहन और मैं फैमिली रसोई का वीडियो बनाने जा रही हूँ। हम एक केक बनाएंगे। सबसे पहले हम अंडे लेंगे और हम इन्हें तोड़ेंगे। अब हमें इसमें आटा मिलाना होगा। आगे हम इसमें शक्कर डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिलाएंगे। ओ, अरे नहीं, क्या मैंने शक्कर की जगह इतना सारा नमक मिला दिया? नहीं, सब गड़बड़ हो गई। मुझे जल्दी एक केक ऑर्डर करना होगा। ये लीजिए, आपका ऑर्डर तैयार है। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। दोस्तों, ये रहा हमारा बनाया केक। चलो यहाँ पर वीडियो बनाते हैं, यहाँ से हमें कोई तंग नहीं करेगा। पापा, सर्दी है बहुत ज्यादा। जाने भी दो उसको, सोचो उसके बाद कितने सारे फॉलोअर्स आ जाएंगे। पापा, हम क्या शूट करने वाले? अरे वही, और क्या, फिशिंग। बिल्कुल शायद नहीं, टीनेजर्स को फिशिंग पसंद नहीं होती, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। चलो बनाते हैं। वेल तो हेलो दोस्तों, आज मैं और मेरी बेटी आपको दिखाएंगे कि फिशिंग कैसे की जाती है। अब मैं तुम्हें समझाऊंगा इवा कि फिशिंग आखिर कैसे होती है। पहले तुम्हें थोड़ा चारा चाहिए होगा। अरे वाह, देखो तो कितना अच्छा लग रहा है। तो अब हम इसे फेंकने वाले हैं। पापा, लगता ही अटक गया है। पापा, क्या इतनी सर्दी में फिशिंग सही रहेगी? हाँ, हम करते ना, क्यों नहीं, हम शार्क को पकड़ेंगे। पापा, मम्मी आ रही है, वो गुस्से में है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या फिर से तुम लोग बेवकूफी भरा वीडियो बनाने लगे? क्या बेवकूफी, नहीं तो। मैंने तुम्हें फिशिंग के लिए मना किया था ना, तुम कभी भी कुछ भी नहीं पकड़ पाते। मम्मी, गुस्सा नहीं। गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? क्रिसमस आ गया है और तुम लोग बजाय मेरी मदद करने के खेल रहे हो। ये मेरा है। हम आपकी मदद करेंगे, है ना पापा? हाँ बिल्कुल, नेट मदद करेगा। पूरा साल तो वो आलसी रहता है, लेकिन अब जरूर मदद करेगा। अगर तुम ऐसे ही चिल्लाती रही तो मैं सच में बहरा हो जाऊंगा। फिर तुम बहरे ही क्या, भूखे भी रह जाओगे, क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं है। और इसलिए तो मैं मछली पकड़ने आया था। क्या इसीलिए तुम इस मक्के के आखिरी डब्बे को भी यहाँ ले आए हो? हद है, हमारे घर में कुछ नहीं है। ईवा, तुम क्या ढूंढ रही हो? शायद मैं कुछ हेल्प कर सकूं। मैं कुकिंग वीडियो बनाना चाहती हूँ। वैसे ये तो कमाल का आइडिया है। पता है, लेकिन कुछ भी बनाने के लिए सामान चाहिए और हमारे पास कुछ भी नहीं है। बस एक मिनट रुको, तो ये रहा, इसे यूज करो। पापा, आप हमसे खाना छुपाते हो? नहीं तो, ये तो बस एक तोहफा होने वाला था। हम इसे क्या बना सकते हैं? शायद हम एक केक बना सकते हैं। हाँ, लेकिन हम केक स्पंज कहाँ से लाएंगे? वैसे उतना ही मुश्किल नहीं है, हम कार्डबोर्ड लेंगे और उसके आसपास लपेट देंगे। लेकिन फिर ये खाने लायक नहीं बनेगा। लेकिन वो असली जैसा ही नजर आएगा। हाँ, अगर सब ठीक रहा तो। तो ये रहा, मैंने बोला ही था। वाओ, बिल्कुल असली जैसा है, शुक्रिया पापा। अब हम वीडियो शूट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ। मैं अपना फोन कहाँ पर रखूँ? आह, यहाँ रखती हूँ। हेलो प्यारे फॉलोवर्स, आज हम एक मिनट में शानदार केक बनाएंगे।
बस एक वॉफर केक को लें और उस पर ये न्यूटेला लगा दें और इस तरह केक तैयार है। बुरा तो नहीं है, पक्का ये स्वादिष्ट होगा। पापा, ये लोग फिर से बकवास वीडियो बनाने लगे। मुझसे अब और नहीं छेला जाता। खैर, उन्होंने मेरे लिए केक तो छोड़ा, वैसे भी मुझे उनसे किसी तरह की उम्मीद तो है नहीं। ये क्या बकवास है ईवा! हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगी आप लोगों को कुछ ब्यूटी टिप्स। क्या आप लोग एक्साइटेड हो? नीचे कमेंट करो। कमेंट में क्या क्या लिखा है? ओह, वो कितनी बुरी है। क्या इसके ब्यूटी टिप्स केक की तरह ही नकली होंगे? ओह ठीक है, मेरे क्लासमेट्स के कमेंट्स देखती हूँ ताकि मुझे थोड़ी खुशी मिल सके। मुझे पता था डिलन के सिर्फ 6 फॉलोअर्स हैं और अनीता के 100। ओह नहीं, क्या ईवा के कितने फॉलोअर्स हैं? ये नहीं हो सकता। सब इस बेवकूफ को क्यों फॉलो कर रहे हैं? मैंने ब्यूटी टिप्स का प्रॉमिस किया था, ये रहा वो। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे चिमटी से आईब्राउज बनाएं। आपको चाहिए एक चिमटी और आईब्राउ पेंसिल। आईब्राउ के शुरू से शुरू करें और आखिर तक ले जाएं इस तरह। अरे गड़बड़ हो गई, मुझे कुछ करना होगा। अरे क्या तुम पागल हो? तो तुम पूरे टाइम से सो रहे हो और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। मैं किस लिए मेहनत कर रही हूँ? मुझे रिकॉर्ड करना है। निकल जाओ यहाँ से बेवकूफ। काश मेरा बिस्तर मुलायम होता। ओह, मैं बुरी दिख रही हूँ। अरे कितना प्यारा है, मेरी माँ ने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। नए वीडियो के लिए एक आइडिया मिल गया। हेलो, अगर आपकी सुबह भी मेरे जितनी खराब है तो आपके लिए एक सलाह है। देखो, टमाटर को आंखों पर मास्क की तरह लगाओ। अरे ये मेरा ब्रेकफास्ट है। हो गया, कुछ मिनटों तक ऐसे ही रहने दे। बेटा तुम इतना बकवास सा कंटेंट क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? तुम्हें इन सब की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम पहले से ही बहुत ज्यादा खूबसूरत हो और तुम्हारे फॉलोअर्स भी यही सोचते हैं। ईवा के मुझसे ज्यादा फॉलोअर्स कैसे हैं? मुझे उससे आगे निकलना है। आखिरकार मुझे फिल्म में रोल चाहिए। ये सही है, रूम टूर। इतने टाइम से आप सब लोग ये देखना चाह रहे थे कि मेरी जैसी लड़की कहाँ रहती है, तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको। ये रहा हमारा शानदार रूम। क्या सब छुट्टियों के लिए तैयार हो? क्या आपने क्रिसमस ट्री सजा लिया? नीचे कमेंट्स में बताओ। हेलो गाइस, कैसे हो? मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मैं अपने वीडियो में उन्हें अपनी सिस्टर बताऊँ। और मेरे प्यारे पापा यहाँ काम करते हैं। सच कहूँ तो वो हमेशा बिजी रहते हैं। हेलो पापा। किली, तुमसे बोला था ना मेरा वीडियो मत बनाओ यार, मेरे पास तो आज बकवास के लिए टाइम नहीं है। लेकिन पापा, ये तो स्कूल असाइनमेंट है, कसम से। तुम एक सेकंड के लिए भी फोन नहीं छोड़ती? इन पीएफ को भी भरे वीडियो के कारण तो बुद्धू बन जाओगी, समझी? शायद आपने मुझ पर ध्यान दिया होता तो मैं हर वक्त वीडियो नहीं बनाती। अब हम इस बॉक्स को खोलेंगे, क्या हो सकता है इसमें? ओह, ये भारी है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या पेंट करूंगी। बिल्कुल सिंपल है, पापा की फेवरेट घड़ी। इसे थोड़ा और सुंदर बनाते हैं।
नहीं, अभी कुछ सही नहीं हुआ है, कुछ तो कमी है। अब क्या हुआ है तुम्हें? मेरे पास गोल्ड पेंट है लेकिन ये उतना बढ़िया नहीं है जितना मुझे चाहिए। लेकिन तुम्हें ये चाहिए क्यों? मैं किसी चीज को सुंदर बनाना चाहती हूँ। तो पापा के ऑफिस से सोना ले आओ। हम इस गजब सी चोरी का वीडियो भी बना सकते हैं और हम उसमें खुद को दिखाएंगे सुपर विलन। आइडिया तो शानदार है, सबको सुपर चोर पसंद है, लेकिन पापा बहुत नाराज हो जाएंगे। केटी, उनके पास इतना काम है कि वो कुछ भी नोटिस नहीं करेंगे। हाँ, पापा हमेशा बिजी रहते हैं, मुझे उनके साथ भी वीडियो बनाना अच्छा लगता। केटी रुको, तुम बिल्कुल भी सुपर चोर नहीं लग रही हो, जाओ चेंज करके आओ। क्या आपने मुझे पहचाना? अब से मैं ये ब्लॉग चलाऊंगी, एक सुपर चोर। और अब मेरा पहला टास्क सिर्फ से सोना चुराना है। हाँ बेटा, तुम कर सकती हो। ओ, ये मेरा फेवरेट गेम है। बस थोड़ा और। और मुझे इसका पासवर्ड पता है। कौन है वह? कैमरा बंद करो तुरंत। मैं तंग आ चुका हूँ तुमसे। किरी, मेरी सेफ में क्या ढूंढ रही थी तुम? मुझे बस थोड़ा सा सोना चाहिए था, छोटा सा। तो तुम उसे मांग नहीं सकती थी? तुम्हें ये सब करना ही क्यों है? मेरी बेटी पर चिल्लाओ मत। वैसे भी अभी हमारी मास्टर क्लास का टाइम है, हम स्मार्ट और खूबसूरत रहना सीखेंगे। तुम लोग भैंस की टांग वीडियो बनाने के लिए पागल हुए हो, तुम्हें सोना क्यों चाहिए? मुझे इस घड़ी को सजाना था। क्या, मेरी घड़ी? ये तुम्हारे पास कैसे आई बे? अगर अब तुमने मेरा सामान छुआ ना तो तुम क्रिसमस पर कोई गिफ्ट नहीं पाओगी, समझी? ठीक है, मेरे फॉलोअर्स मुझे दे देंगे। कम से कम आपने इतनी देर मुझसे बात तो की, आपके पास कभी मेरे लिए टाइम नहीं होता। किड़ी रुको। मम्मी, मैं नए साल के लिए रूम सजाना चाहती हूँ और इसका वीडियो भी बनाना है। मैं तुमसे मदद मांगते मांगते थक गई हूँ। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, उम्मीद है कि कुछ पैसे कमा सकूँ और फैमिली के लिए कुछ खरीद सकूँ। चुप हो जाओ बेटा, तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मुझे कैसे भी फर्स्ट प्राइज जीतना है और एक्ट्रेस बनना है। मैं मेरे फॉलोवर्स चेक करती हूँ और वो क्या कह रहे हैं। क्या, मेरे इतने सारे फॉलोवर्स हो गए और मेरे वीडियो ट्रेंड कर रहे हैं, हुर्रे! मैं इससे अच्छे वीडियो बनाने में तुम्हारी मदद करूंगी। हमारे पास सजावट के लिए बस यही सब है, लेकिन पक्का हम कुछ बढ़िया कर लेंगे। शुक्रिया मम्मी, आप हमेशा मदद करती हो। हेलो दोस्तों, मैं मानती हूँ कि त्योहार तो हर घर में होना चाहिए, मेरे जैसे घर में भी। देखो, मैंने एक फाइल कोन बनाया है और कुछ सजावट का सामान है। मैं इससे मेरा क्रिसमस ट्री सजाऊंगी। अब हम मछलियों का खाना खाएंगे। क्योंकि तुम्हें चिंता थी कि मैं सारा खाना फिश को ना खिला दूं, इसलिए मैंने थोड़ा सा बचा लिया। मम्मी पापा, आपके लिए सरप्राइज है, ये केक मैंने बनाया है। वैसे देखने में काफी टेस्टी लग रहा है। लेकिन इसके सामान के लिए तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया? मैं काफी टाइम से बचा रही थी और कुछ कबाड़ बेच कर पैसे आए थे। पहले आपको नहीं बताया क्योंकि सरप्राइज देना था। तो आगे बढ़ो नाइवा। क्या? अरे वीडियो बनाओ, मुझे तुम्हारी आंखों में दिख रहा है कि तुम बनाना चाहती हो। हेलो दोस्तों, हमारा फैमिली डिनर हो रहा है और सबसे जरूरी चीज, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये डिनर का क्या शानदार सेटअप है।
खैर हमेशा ही होता है। आओ, नमक बहुत ज्यादा है, कुछ भी नया नहीं है, बहुत बोरिंग है और इसमें बहुत मसाला है, ये बकवास है। मुझे कुछ खास चाहिए। Well, जिसने भी स्कूल की छुट्टियाँ की वो बहुत पागल है। अच्छा होता अगर तुम मेरे फॉलोअर्स के लिए वीडियो बनाती, उन्हें पसंद आता। किटी, पापा ने तुम्हारे लिए गिफ्ट दिया है। और पापा कहाँ है, वो यहाँ क्यों नहीं है? तुम जानती हो वो काम में बिजी रहते हैं। उन्होंने बस गिफ्ट भेज दिया। बेटा दुखी मत हो, इससे अच्छा अनबॉक्सिंग वीडियो बनाते हैं। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक गिफ्ट की, लेकिन इस पे तो ताला है। वाओ, उसे खोलने के लिए इसकी जरूरत है। चाबी कहाँ है? तुम्हें क्या लगता है, ये न्यू ईयर है, चाबी ट्री में है। काफी इंटरेस्टिंग है। चाबी अंदर होनी चाहिए। अरे मुझे मिल गई। बहुत बढ़िया बेटा। ये बेशक बहुत क्यूट है, लेकिन मुझे दूसरे कलर का आईफोन चाहिए था। और ये पेंडेंट किसी ड्रेस से मैच नहीं करेगा। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, पापा ने कोशिश तो की है। तुम इतनी उदास क्यों हो ईवा? मैंने गिफ्ट अनबॉक्सिंग का वीडियो देखा, लेकिन हम ये नहीं कर सकते। अरे इन अमीर लोगों का तो सब कुछ दिखावा ही होता है, लेकिन तुम्हारे पास तो इतनी प्यारी फैमिली है ना। बेकार की बातों को जाने दो, हमें सरप्राइज देना है तुम्हें। वाओ, एक और सरप्राइज। इस बार क्या सरप्राइज देने जा रहे हो? मुझे एक जॉब मिल गई। ये तो कमाल हो गया, शानदार। हाँ, अब आखिरकार हमें किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मिनट, क्या सिर्फ मैं ही बची हूँ जिसने कोई गिफ्ट नहीं दिया? मुझे जल्दी ही कुछ सोचना पड़ेगा। मम्मी आपने पूरे साल इतनी मेहनत की है, आपको आराम चाहिए। अरे नहीं, मेरा गिफ्ट तो ये हग है। आप दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हो। मम्मी सरन कॉमेंट्स को तो देखो, ये कितनी बुरी है, सब कुछ नकली है। ईव, इसके पिंपल्स भी हैं। छोड़ो उन्हें, उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है। मम्मी मैं चाहे कुछ भी कर लूं, अपना चैनल टॉप पर नहीं ला सकती। कोई बड़ी बात नहीं, तुम इतनी परेशान क्यों हो? और ये भी कमेंट है कि अपनी माँ को दूर भगाओ, वो बहुत गंदी और बोरिंग है। क्या, ये लोग पागल है क्या? कोई ऐसे कैसे लिख सकता है? आप ही ने तो कहा था कि परेशान मत हो। हाँ सही कहा, मुझे स्टाइलिश के पास जाकर फेशियल कराना होगा, फिर तुम्हारे फॉलोअर्स को दिखाऊंगी कि मैं हूँ कौन। लेकिन मम्मी अब मैं क्या करूँ, छुट्टियाँ खत्म होने वाली हैं, लेकिन मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे। चलो देखते हैं क्या पॉपुलर है। मैं देख चुकी हूँ। कुछ और देखते हैं। खैर ब्यूटी टिप्स तो हो गए हैं, कुकिंग वीडियोस भी, बिल्ली के बच्चे ही बच्चे। सुनो, अगर ईवा भी पॉपुलर है तो तुम उसके साथ वीडियो बना सकती हो। बेवकूफ के साथ क्या मम्मी? अरे वो गरीब है, तुम चैरिटी कर सकती हो, लोगों को ये पसंद आएगा। मम्मी आइडिया अच्छा है, मैं ये करूँगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लोगों को दयालु लोग पसंद है। मैं जाकर दान करने के लिए सामान ढूंढती हूँ। मेरे पास कितने कपड़े बेकार पड़े हुए हैं। देखना, ये उसकी लाइफ के सबसे अच्छे कपड़े होंगे। मुझे ये ब्लाउज पसंद नहीं, ये ड्रेस फिर भी ठीक है।
रुको, क्या ये मेरी फेवरेट पार्टी ड्रेस है? ये यहाँ कैसे आई? उप्स, मैं फंस गई। मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आई। तुम बहुत चालाक हो किटी। जैसी माँ वैसी बेटी। खैर, ये कपड़े बिना पछतावे के दिए जा सकते हैं। ब्रांडेड बैग भी लेकर जाओ, ये भी काफी शानदार रहेगा। बढ़िया आइडिया, शुक्रिया मम्मी। और अगर ये काम नहीं किया तो मैं फॉलोअर्स खरीद लूंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे ईवा, तुम इतनी रूडली क्यों बात कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लाई हूँ। मुझे तुम्हारे गिफ्ट्स नहीं चाहिए। तुम मुझे क्या समझती हो? मैं दिल से ये कर रही हूँ, ये ले लो। ये रहा, ले लो। मुझे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। क्या तुम मुझे और मेरे फॉलोअर्स को नाराज करना चाहती हो? ओह, ये कड़क है। बंद करो तुम्हारा ये दिखावा। चलो भी, इन्हें ट्राई करो, ये कपड़े बहुत ट्रेंडी हैं। अगर मैं ये ले लूं तो तुम मुझे अकेला छोड़ दोगी? बिल्कुल, देखा आपने मैं कितनी दयालु हूँ। तुम कितनी गंदी जगह रहती हो। क्या तुमने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया? तुम कम से कम सफाई तो कर सकती हो यहाँ, ये जगह कबाड़ खाना लगती है। तो तुम्हारे लिए मेरा घर बेकार है? बेकार? भिखारी की झोपड़ी, तुम यहाँ कैसे रह सकती हो? हाँ हाँ, जानती हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ। अब तुम मेरे कपड़े पहन सकती हो, कम से कम ये तुम्हें थोड़ा इंसान बनाएंगे, अभी तो न जाने क्या लग रही हो। हाँ हाँ, तुमने सही कहा। मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती, मैं तो चली शॉपिंग करने। भाड़ में जाओ बेवकूफ। तो अब टाइम आ गया है कि सबके असाइनमेंट चेक किए जाएं। हाँ, लूजर्स, प्राइस तो पक्का मेरा ही होगा। शांत रहो, एक एक करके अपने फॉलोअर्स बताओ। मेरे सिर्फ 150 फॉलोअर्स हैं। और मेरे 270। मेरे सिर्फ 300 है। लूजर्स, मैंने तो कहा था। मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ, मेरे 7000 फॉलोअर्स हैं। मुझे मूवी मिलेगी। हाँ, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम लोग मेरा ऑटोग्राफ ले लो। किटी, शांत होकर बैठ जाओ, हमने ईवा से नहीं पूछा है। हमारी स्टार हमेशा की तरह। उसे तो जानवरों के लिए वीडियोस बनाने चाहिए। तुम्हें सच में लगता है क्या उसके फॉलोअर्स मेरे से ज्यादा होंगे? मेरे 15,000 फॉलोवर्स हैं। मैंने तो बोला था। रुको, कितने? मेरे 15,000 सब्सक्राइबर्स हैं। कंग्रेचुलेशंस, तुमने बढ़िया काम किया, तुम मूवी में आओगी। वाह, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा। वाह, ईवा के लिए तो बढ़िया रहा, मुझे भी ट्रेन में रहने के लिए उसे फॉलो करना चाहिए। नहीं, ये गलत है, जीत मेरी थी, उसकी नहीं। एक और बात किटी, हम सब ने देखा कि तुमने कैसे ईवा और उसकी गदीवी का मजाक उड़ाया। ये झूठ है। मैंने लाइव ब्रॉडकास्ट किया था। अरे नहीं, अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और मुझे पता है, तुम सीधे प्रिंसिपल ऑफिस जा रही हो। जाओ। लेकिन मम्मी, अब मैं क्या करूं? कौन है यार? छुट्टियां अपनों के साथ मनाइए। तुम प्रिंसिपल के पास जाओगी। अरे, आराम करना और वाइन पीना कितना अच्छा रहेगा। जाओ,